तो देख सकते हैं साफ तौर से कभी एनडीए ऊपर जारी है तो कभी महागठबंधन, यानी उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आरजेडी कार्यालय में लोग पहुंचे हैं और बहुत कह सकते हैं एलईडी टीवी लगाया गया है। लोग जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं राजद के, वो एलईडी पे नज़र बनाए हुए हैं और एक एक रुझान जो है वो तस्वीरें साफ तौर से देखने के लिए लोग बैठे हैं। धीरे धीरे थोड़ी मायूसी लोगों के अंदर छा रही है क्योंकि लोग जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जिस तरह से, क्योंकि रुझाने जो उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है और लोग जो है टीवी पे या कह सकते हैं कि डिजिटल की दुनिया में लोग अपने मोबाइल पे भी बने हुए हैं और जिस तरह से लगातार कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है और आरजेडी और महागठबंधन के तौर से उतार चढ़ाव जारी है। क्या लग रहा है सर अभी भी? हम लोग जीतेंगे लेकिन कभी एनडीए के अभी पक्ष में जा रहा है, जा रहा हटेगा चलते रहेगा, 3 बजे के बाद देखिए ना कि राजद गठबंधन कितना आगे बढ़ता है। लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित। तो चलिए अपनी अपनी राय है, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी ये तय है और लोग कह भी रहे हैं और जिस तरह से रुझान आ रहा है उतार चढ़ाव का, क्योंकि अभी जो दिख रहा है साफ तौर से स्क्रीन पे हम भी आपको दिखाना चाहेंगे कि एनडीए 125 पे है और आरजेडी 105 पे है, एलजीपी 5 पे है और अन्य अभी 6 पे है, यानी टोटल विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो 243 विधानसभा सीट की बात हो रही है। क्योंकि जिस तरह से अभी रुझाने दिख रहा है उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि सुबह की जो रुझाने थी वो महागठबंधन ऊपर जा रहा था और अभी जो है एनडीए ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी स्पष्टी नहीं दिया जा सकता है जिस तरह से, क्योंकि तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पे लोगों के बीच गए हैं। लोग कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दा सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है, लोगों की अपनी अपनी राय है, कुछ महिला भी हैं क्योंकि उनके महागठबंधन की ओर से लोगों की अपनी अपनी राय है। क्या लग रहा है हमें? हम लोग के तो लग रहा है कि महागठबंधन के हम लोग की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी तो रुझाने एनडीए के पक्ष में जा रहा है। अभी फैसला नहीं ना हुआ है, थोड़ी अभी फैसला हुआ है, हम लोग कैसे मान लें रुझान रहे से क्या होगा, हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग की सरकार बनेगी। तो चलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है रुझाने हमारे पक्ष में आएगा, क्या लग रहा है? क्या क्या लग रहा है? एनडीए आगे जा रही है, ये रुझान है, रुझान है, अभी तो असली रिजल्ट आना बाकी है, कुछ घंटे के बाद आप देखिएगा, फिर आप पूछिए हम बताएंगे, क्योंकि पूरा बिहार तेजस्वी मैं हो चुका है और तेजस्वी जी आ रहे हैं हमारे। तो चलिए तेजस्वी मैं हो चुका है, पूरा बिहार लोगों की राय है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोग जो है धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं कार्यालय में आरजेडी के दफ्तर में और लोग बैठ के पूरी तरह से कह सकते हैं कि टीवी पे नज़र बनाए हुए हैं, जिस तरह से रुझाने आ रही है जा रही है, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, ये सिलसिला लगातार अभी चलेगा क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी तो स्टार्ट हुआ है और अभी तो रुझान है, अभी तो पूरी तरह से अभी बाकी है, तो अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तस्वीरें साफ तौर से दिखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि लोग जो है कार्यकर्ता अलग अलग भेष में भी पहुंचे हैं आरजेडी के दफ्तर में। हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आरजेडी के कार्यालय में पहुंचे हैं पूरी तरह से तेजस्वी यादव के बैनर को पहन के और टोपी लगा के आरजेडी के दफ्तर में पहुँचे हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और उनसे बातें कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से रुझान उतार और चढ़ाव का जो सिलसिला है सुबह से महागठबंधन के पक्ष में था और अभी जो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं जो आए हैं और गर्दन में उनके लालटेन भी लगा हुआ है, तो कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। देखिए कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग पहुंचे हैं आरजेडी के दफ्तर में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल दिख रहा है और काफ़ी युवा चेहरा लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या लग रहा है? इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कंफर्म बनेंगे, लेकिन अभी तो रुझाने एनडीए के पक्ष में जा रहा है, अभी फिलहाल के लिए जा रहा है लेकिन आगे जाकर बदलेगा और जरूर बदलेगा। चलिए ये रुझाने बदलेंगी, लोगों की उम्मीद पूरी तरह से है। तो तस्वीरें आप लाइव तस्वीर एसडी न्यूज के पेज पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद अभी धीरे धीरे
बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कि ये उम्मीद अभी है, अभी ये तो रुझान है। सीधे तौर पे हम कोशिश भी करेंगे कि बात करने की, जिस तरह से लगातार कह सकते हैं कि, तो ये अलग अलग लोगों की राय है और कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो अपने एक अलग वेशभूषा में पहुंचे हैं। जी जी, कोशिश करते हैं बात करने की, क्योंकि जिस तरह से लोग के अंदर उत्साह है और लोग अपने अपने कार्यकर्ता, देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, गर्दन में इनके लालटेन है और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव के ये बैनर लगा के पूरे शरीर को अपने ओर ढक लिया है और टोपी भी जो है लालटेन का है और ये लाठी कह सकते हैं पाइप का लाठी लेके पहुँचे हैं। आखिर ये लाठी, इस तरह के लाठी लेके आप RJD कार्यालय में पहुँचे, क्या लगता है महागठबंधन की सरकार बन रही है? महागठबंधन की सरकार पहले ही बन चुकी है, पर चुनाव होना है और चुनाव होने के बाद ही ये रिजल्ट आएगा, इसलिए औपचारिकता के रूप में चुनाव भी हुआ है और औपचारिकता के रूप में आज गिनती होगा और कल चुनाव का पूरा अंजाम मिलेगा और तेजस्वी यादव को पैगाम मिलेगा। लेकिन अभी NDA के पक्ष में जा रहा है, तो ये तो होता है ना, रास्ते पे चलेंगे, आप ही आए होंगे तो जामा तो मिला होगा, आप पिछुआ गए, पिछला आगे हो गया होगा, आप पीछे वाला फिर आगे हो जाएगा, ये तो रास्ता है ना, वो तो होता ही रहता है, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। लेकिन एक बात समझ लिए, जो जीतता है वह जो जिसके मंजिल पर निगाहें रहती है, तेजस्वी यादव ने वो मंजिल टिकाया था कि जनता जो रो रहा है, आंसू सुख नहीं रहा है, हम वो आंसू को सुखा देंगे, आंसू को इतना महंगा बना देंगे कि रोने के लिए कोई चाहेगा नहीं, और हंसी को इतना सस्ता बना देंगे कि हर वक्त लोग हंस जाएगा। ये कब होगा, ये कब होगा जी? आप कहाँ से पहुँचे? मेरा घर जहानाबाद है। क्या नाम हुआ? मेरा कभी भी नहीं साव है, मेरी जिंदगी में एक ही अभाव है, मेरे धोखड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा, फ्री में जीवन जीता हूँ, सहनसा हूँ जैसा। चलिए, लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ता अपनी उत्साह नेता को बढ़ाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरा राजदमय कार्यालय में हो चुका है, LED TV लगाया गया है और साफ तौर से टीवी पे, LED TV पे नज़र बनाए हुए है, एक एक रुझान की जो रुझाने जिस तरह से बिहार में आ रहे हैं, 243 सीट की रुझान अभी आनी बाकी है। तो तब तक के लिए बने रहे देशजी न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं, बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।